वंदे देवमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशुनाम पतिं वंदे सूर्यशशांकवहनी नयनं वंदे मुकंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं अथ शिवमहिम्नः स्तोत्रम् पुष्पदन्त उवाच परम विदुषो यत सदृशी स्मृतिर्ब्रह्मादीनामपि ततवसन्नास्त्वयि गिर अथावाच सर्व स्वमति परिणामावधि गृणन् ममापेश स्तोत्रे हर निरपवाद परिकरः अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोः अतत्या विद्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि स कस्यास्तोत्याव्यः कतिविधगुणः कस विषयः पदे त्वार्वाचीने पतति न मनः कस न वचः मधुस्वीता वाचः परममृतं निर्मितवतः स्वव ब्रह्मन् किं वा गपिसुरगुरो विस्मयपदं मम त्वेन त्वां वाणीं गुणकथनपूर्णेन भवतः पुनामीत्येऽर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता तव ईश्वरीयं यत्तत् जगदुदय रक्षा प्रलयकृत् त्रैवस्तुं व्यस्तं त्रिसुषु गुणभिन्नासु तनषु अभवयानां अस्मिन् वरद रमणीयां रमणीं विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहेक जडदियः किमेह किं काय स खलु किमुपाय त्रिभुवनम् किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्कैश्वर्ये त्वय्यनवसर दुस्थो हत धियः कुतर्कोऽयं कंश्चित् मुखरयति मोहाय जगतः अजन्मानो लोकः किमवयववन्तोऽपि जगतं मधिष्ठातारं किं
भवविधिर्नादृत्य भवति अनीशो वाकुर्यत् भुवनजननेका परिकरो यतो मन्दास्वं प्रत्यमरवर संशेरत इमे संख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमद पद्यमिति च रुचीनां वैचित्रतजकुटिलनानापथजुषं नृणामेको गम्य स्वमसि पयसामर्णव इव महोक्ष खट्वाङ्गम परशुरजिणं भास्म फणिणं कपालं चेतीय त्ववरद तन्त्रोपकरणं सुरास्तां वृद्धिं दधति तु भवद्रु प्रणिहितं नहि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं परो ध्रुव्याध्रुवे जगति गदति व्यस्तविषये समस्ते पेत्तस्मिन् पुरमथन ते वीर्स्मित इव तुवञ्चिन्मे मित्वं न खलु ननु धृष्टा मुखरता ईश्वरीयं यत्नात् यदुपरि विरञ्चो हरिरथ परिच्छिन्तुं याता वनिलमनलस्कन्दवपुषः ततो भक्ति श्रद्धा भरगुरुगुणद्भ्यां गिरिशेयत् स्वयं तस्थेताभ्यां तव किमनुब्रूतीर्न फलति अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवेरव्यतिकरम् दशास्यो यद्वाहु न भृतरणकण्डूपर्वशान् शिरपद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबले स्थिरायस्त्वदभक्ते स्थिपुरहरवीष्पुर्जितमिदम् अमूष्य त्वत्सेवा समधिगतसारङ्गुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः अलभ्यापाताले व्यलसचलितां गोष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासिध ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यदुद्धिं सुत्राम्णो परद परमोच्चैरपि सतिं मधश्चक्रे बाणः परिजनविधेयत्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन्
वरिवसितरी त्वाचरणयो न कस्यापूनते भवति शिरस्वस्त्वय्यवनति अखंड ब्रह्मांड शचकित देवासुर कृपा विदेयस्यासीद्य त्रिनयन विषम संमृतवत सकल्माषः कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभङ्गौ वसिननः सिद्ध्यार्थानेव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखः स पश्यन्नीशत्वामितरसुरसाधारणमभूत स्मर स्मर्तौ आत्मा नहि वशिशुपथ्यः परिभवः महीपादाधातक व्रजति सहसा संशयपदं पदं विष्णो भ्राम्यद भुजोपरिदरुग्णग्रयगणम् मुहुर्धूर्धोष्टं यात्यनिभृतजटा ताडिततटा जगत्रक्षाये त्वं नटसि ननु वामेव विभूता यापी तारा गणगुणित फेनोद्गम रुचि प्रवाहो वारं यः पुषत लघुतुष्ट शिरसिते जगत्दीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमिति त्यनेन्नेवो नेयं घृतमहिम दिव्यं तव बपुः रथ श्रोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथांगे चन्द्रार्को रथचरणपाणिः शर इति विधाक्षोस्ते कोयम् त्रिपुरतृणमाडम्बरविधिर्विधेये क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्रः प्रभुधियः हरिस्ते शाहस्त्रं कमलवलिमाधाय पदयोर्यदेको नेतास्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसो चक्रवपुषः त्रयाणां रक्षाये त्रिपुरहर जागर्ति जगताम् जागृत त्वमसि फलयोगे क्रतुमता क्व कर्मापद्वस्त्वं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां संप्रेक्षय क्रतशु फलदान प्रतिभुवं श्रुतो श्रद्धं बद्ध्या दृढपरिकरा कर्म सुजनः Mm-hmm.
क्रतुपतिरधीशस्तनुभूतं ऋषीणामात्विच्यं शरणदसदस्यासुरगणः क्रतुभ्रंशस्त्वः क्रतुफलविधानव्यसनिनः ध्रुवं कर्तुं श्रद्धा विधुरमभिचाराय हि मखः प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वं दुहितरं गतं रोहित भूतं रिरमयिषु मृषस्य वपुषा धनुष्पाणे यातं दिवमपि सपत्राकृतमपु त्रसन्नं तेधापि त्यजति न मृगौ याधरभसः लावण्याशंसा धृतधनुष्मन्नाय तृणवत् पुरः प्लुष्टं दृष्टा पुरमथन पुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनिरतदेहार्दघटनात् दवेति त्वामध्या वत वरद मुग्धा युवतयः श्मशानेष्वाक्रीडः स्मरहरपिशाचा सहचरः चिताभस्मालेपः स्रगपिनिकरोटी परिकरः अमङ्गल्यं शीलम् तव भवतु नामेवमखिलं तथापि स्मर्तूर्णां वरद परमं मङ्गलमसि मना प्रत्यक्षित्ते सविधमभिदायतमरुतः प्ररुष्य द्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गतिदृशः यदा लोक्याल्याद्यं हृद इव निमज्जामृतमये दधत्यन्त्यस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत् किल भवान् स्त्वं सोमः स्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गीरं न विद्मस्तत्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि त्रयीं तिस्रो वृत्ति स्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरान् अकाराध्येर्वर्णो स्त्रिभिरभिदत तीर्णविकृति तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवदृन्धानमणुभिः समस्तं व्यस्त्यं त्वां शरणदगुणत्वयिमिति पदम् पशुपतिरथो ग्रह सह महान् तथा भीमेशाना वितियदभिधानाष्टकमिदम् अमूष्मिन् प्रत्येकं
प्रविचरति देवा श्रुतिरपि प्रियायास्मे धाम्ने प्रणिहित नमस्योऽस्मि भवते। नमो नेधिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमः। नमः शोधिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः। नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनय विष्ठाय च नमः। नमः सर्वस्मेते तदिदमति सर्वाय च नमः। बहल रजसे विश्वोत्पत्तौ बहाय नमो नमः। प्रबल तमसे तत्संहारे हराय नमो नमः। जनसुखकृते सत्वोद्रिक्तो मृडाय नमो नमः। प्रमहसि पदे निस्त्रे गुणे शिवाय नमो नमः। कृश परिणति चेत क्लेशवश्यं क्वचेदं क्वच तव गुण सीमोलंघिनी शस्वदुद्धि इति चकित ममंदी कृत मां भक्ति राधाद। वरद चरण योस्ते वाक्य पुष्पोपहारम्। असित गिरि समं स्यात् कजलं सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्रमूर्वी। लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणनामीश पारं नायति। असुरसुर मुनिन्द्रैर चर्चित सेन्दु मौले ग्रथित गुण महिम्नो निर्गुणस्यैश्वरस्य सकल गुण वरिष्ठ पुष्पदन्ताभिधानः। रुचिरमल घृवृत्तैः स्तोत्रमेता चकार। अहर हर नवद्यं धुर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परम भक्त्या शुद्ध चित्त पुमान यः। स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतर धनायु पुत्रवान कीर्तिमांश्च। महेशान्ना परो देवो महिम्नो ना परास्तुतिः। अघोरान्ना परो मंत्रो नास्ति तत्त्वं गुरुः परम्। दीक्षादानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिकः क्रियाः महिम्नस्तव पाठस्य कलां नारहन्ति षोडशीम्। कुसुमदशन नामा सर्वगन्धर्वराजा
शिशु शशिधर मौलेर देवदेवस्य दासः सखलु निज महिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदमकार्षित् दिव्य दिव्यं महिम्नः। सुरवर मुनि पूज्यं स्वर्ग मोक्षेक हेतुं पठति यदि मनुष्य प्राञ्जलिर्नान्य चेतः ब्रजति शिव समीपं किन्नरे स्तूयमानः स्तवनमिदममोघं पुष्पदंत प्रणीतम्। श्री पुष्पदंत मुख पंकज निर्गतेन स्तोत्रेण किल्विषह रेण हर प्रियेण कंठस्थितेन पटितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः। इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेश प्रेतां मे सदाशिवः। इति श्रीपुष्पदन्त विरचितं शिवमहिम्नः स्तोत्रं सम्पूर्णम्।